हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परी बायोलॉजी क्लासेस में। तो मैंने कल तक पढ़ा दिया था, आज मैं पाचन एवं उत्सर्जन पढ़ाऊंगी, यानी डाइजेस्टिव और एक्सेक्टिव ऑर्गन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है तो अमाशय के रस में पाया जाता है। अमाशय के रस में पाया जाता है। और पेप्सिन क्या होता है? एक एंडोपेप्टिक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता अपनी ग्लाइकोजेन। अपनी ग्लाइकोजेन यह एस्टेरॉयड स्रावित करता है। अग्नाशय। अग्नाशय जो होते हैं एस्टेरॉयड स्रावित करते हैं, ठीक है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये टारगेट है कि कम से कम 5 दिन में ये बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए तो ठीक रहेगा। चलिए, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? अमाशय। अमाशय मानव पित्त जो एक पीले रंग का एक तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। पित्त का कैसा है? क्षारीय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से। मुंह गुहिका। देखिए बिहार एसी का ही है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ? हमारे स्टमक में रहता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? लीवर। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? लीवर। मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? पीत रस का क्या कार्य है? तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? यकृत। यकृत क्या करता है कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जठर रस में क्या होता है? जठर रस में HCl होता है। वो रहिया एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं होता, जबकि कौन कौन होता है? कोलेजन, इलास्टीन, रेशम। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी, ये सारा होता है। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा चटपटी खाना नहीं खाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब। सेब में लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। और ऐसा ना कीजिएगा कि कहीं भी आपको लोहा मिले तो आप खाने लगिएगा कि खाना है में लोहा खाना चाहिए। कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। कैल्शियम की आवश्यकता किस निर्मित है? उपयुक्त सभी में, यानी कैल्शियम की आवश्यकता हमें लोग को कहाँ पड़ता है? मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। और इसका एक ट्रिक है, जल मतलब बी और सी जो होता है विटामिन, वो जल में घुलनशील है। गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में सहायक है? जीरोथैलेमिया। गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में सहायक है? जीरोथैलेमिया। किस में? जीरोथैलेमिया। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। ओमेगा 3 एक वर्ग है वशीय अम्ल का। ओमेगा 3 एक वर्ग है वशीय अम्ल का। दाल किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, इसलिए दाल खाना चाहिए। सूर्य के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अधिक
पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत यानी लीवर में। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है? तो सेल क्रिया के उपरांत रक्त श्राव। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? ग्लोब्यूलिन। निम्नोत्तक में किसका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है? विटामिन ए का। कोलेस्ट्रॉल है वसा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? के। कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ताजी सब्जियां। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और एक बात और, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।